अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत वाफियत होंगे। अब आइए आज के चंद अहम खबरें जो कि राशिद सहारा रोज़नामे में शाया हुई हैं, उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। लखनऊ, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर व अदीब मुनव्वर राना सैयद मुनव्वर अली मरहूम की नमाज जनाजा आज पीर को आलम इस्लामी इदारा दारुल उलूम नजवतुल उलमा में इदारा के नाज़िर आम मौलाना जाफर मसूद हसनी नदवी की इख्तदार में अदा की गई और दूसरी नमाज जनाजा आयशबाग कब्रिस्तान की बड़ी मस्जिद में इमाम मस्जिद हाफिज अब्दुल मतीन की इख्तदा में अदा की गई, जिसमें अजीज़ व अकारिब के अलावा बड़ी तादाद में मुतालिकीन मुहिब्बान उर्दू मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की। वहीं आयशबाग चमन में उनकी तदफीन अमल में आई, जिसमें बड़ी तादाद में अदबा शोरा उकला दानिश्वरान और बिला तफरीक मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता अहम शख्सियात नीस सामाजिक कारकुनान ने शिरकत की और उन्हें नम आँखों से सुपुर्द खाक किया। समाजवादी पार्टी के सरबरा साबिक वजीर आला अखिलेश यादव भी इजहार ताज़ियत करने के लिए सुबह उनकी रिहाइश गाह यफ आई ढेंगड़ा अपार्टमेंट पहुँचे। मारूफ नगमा निगार जावेद अख्तर भी कल से लखनऊ में थे। इंतकाल की खबर सुनकर वो भी मुनव्वर राना को ताज़ियत पेश करने पहुँचे और जनाजे को कंधा भी दिया। इस मौके पर जावेद अख्तर ने कहा कि ये शायरी और उर्दू का एक बड़ा नुकसान है, मुझे इसका बेहद अफसोस है। ये नस्ल एक एक करके जा रही है और इसका इजाला नहीं हो पाएगा। उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। उनकी शायरी काबिल तरगीब है। उनके लिखने का अपना अंदाज था। अच्छी शायरी करना मुश्किल है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मुश्किल है अच्छी शायरी करना। उनका जनाजा अपार्टमेंट से निकलकर नजतुल उलमा ले जाया गया, जहां मेहमान खाना के बाहर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। इससे कब नदवा की मस्जिद में नमाज जहर के बाद इमाम मस्जिद मौलाना डॉक्टर फरमान नदवी ने नजवतुल उलमा से उनके ताल्लुक का तस्किरा किया। नीस उनके लिए दुआए मगफिरत करते हुए मुसल्लियान से भी दुआ की अपील की। नमाज जनाजा में भी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। वाजिया रहे कि साहित्य अकाडमी अवार्ड याफ्ता शायर व अदीब मुनव्वर राना ने गुज़िश्ता देर शब लखनऊ के एसजी पीजीआई में आखिरी सांसें लीं। उनकी उम्र 71 साल थी। उर्दू दुनिया में मोतबर और मकबूल शख्सियत मुनव्वर राना की पैदाइश उत्तर प्रदेश के शहर राय बरेली में 1952 में हुई। उनकी दादा नानी समेत मोतदद करीबी रिश्तेदार तकसीम हिंदुस्तान के वक्त पाकिस्तान हिजरत कर गए, लेकिन उनके वालिद साहब ने हिंदुस्तान से अटूट मोहब्बत की वजह से हिंदुस्तान को ही अपना मस्कन बनाया। वहाँ से उनका ख़ानदान कोलकाता मुंतकल हो गया। यहीं पर मुनव्वर राना की इब्तदाई तालीम हुई और अमली ज़िंदगी में ख़दम रखा। बाद में उन्होंने लखनऊ में सुकूनत इख्तियार की। मुनव्वर राना की असल शोहरत गज़ल गोई से है। माँ पर लिखा उनका कलाम उनकी शोहरत और मकबूलियत का अहम जुज़ है। उनकी गज़लें हिंदी बंगला
बंगाली और गुरमुखी जबानों में भी हैं। मुनव्वर राना के अशार में रिश्तों की अहमियत और इफादियत का हुस्न मिलता है। वो टूटते बिखरते बशरी राबितों को जोड़ते नज़र आते हैं। उन्होंने सारफियत के इस अहद में इंसानी रिश्तों की कीमत नहीं कदर तय की। मेहनत कशों के पसीने को उन्होंने अपने कलम की रोशनाई बनाई। मुनव्वर राना समाजी खराबियों के खिलाफ शिकवा नहीं एहतजाज करते रहे। मुनव्वर राना न सिर्फ कादिरुल कलाम शायर बल्कि साहब तर्ज अदीब भी थे। उनकी कुछ किताबों के नाम इस तरह हैं: माँ, बग़ैर नक्शे का मकान, चेहरे याद रहते हैं, जंगली फूल, मीर आके लूट गया, सफ़ेद जंगली कबूतर, रुखसत करो मुझे वगैरह, तकसीम हिंद के नतीजे में हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान जाने वालों के दर्द को मुनव्वर राना ने जिस खूबसूरती से बयान किया वो अपनी मिसाल आप है। ताइवान न तो पहले मुल्क था और ना ही आइंदा होगा। चीन, काहिरा, चीन वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा है कि ताइवान न तो माजी में अलग मुल्क था और ना ही मुस्तकबिल में बन सकता है। वांग जी ने काहिरा में मिस्री हम मनसब सामह शकरी से मुलाकात के बाद अखबारी कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ताइवान चीन का अटूट अंग है। न तो माजी में उसकी हैसियत एक अलग मुल्क की थी और ना ही मुस्तकबिल होगी। याद रहे कि चीन से इल्हाक की मुखालिफत के हामिल ताइवान में हाल ही में इंतखाबात हुए हैं, जिनमें बसर इख्तदार पार्टी DPP के उम्मीदवार लाई चंग ते ने दोबारा कामयाबी हासिल की है, जो कि ताइवान की खुद मुख्तारी के शदीद हामी हैं। चीन की तरफ से ये बयान उस वक्त आया जब ताइवान के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के विलियम लाई शंग टी ने कामयाबी हासिल कर ली। चीन ने ताइवान के शहरियों को खबरदार किया था कि वो लाई को वोट न दें। इसके बावजूद लाई जीतने में कामयाब रहे। इसे इंतहाई काबिल ज़िक्र सियासी नतीजा करार दिया जा रहा है। चैलेंज, चीनी चैलेंज को नज़रअंदाज करते हुए ताइवान के अवाम ने खुलकर लाई की हिमायत की। मुल्क के मरकज़ी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाई को 40.2% वोट मिले। इम्फाल, राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और आज दूसरे दिन भी मणिपुर में ये यात्रा जोश खरोश के साथ जारी है। दूसरे दिन हज़ारों अफराद सड़क पर राहुल गांधी का इस्तकबाल करते हुए दिखाई दिए। उन लोगों को साबिक कांग्रेस सदर ने यकीन दिलाया कि वो मणिपुर को एक बार फिर अमन और हम आहंगी से भरपूर रियासत बनाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने अपने एक मुख्तसर खिताब में इस यात्रा को मणिपुर से शुरू करने का मकसद लोगों को
सामने रखा। उन्होंने कहा कि मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू करने का मकसद पूरे मुल्क में एक ताकतवर पैगाम देना था और लोगों को इस बात से आगाह करना था कि मणिपुर के लोग किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं कई लोगों से मिलता रहा हूं और महसूस कर सकता हूं कि वो किस दर्द वो अलमिये से गुजर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि तशद्दुद में रिश्तेदारों और जायदादों से महरूम होने का क्या मतलब है। अपने खिताब के दौरान राहुल गांधी ने उम्मीद जाहिर की कि मणिपुर में जल्द अज जल्द अमन और हम आहंगी का माहौल फिर से कायम होगा। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बातचीत की। उन्होंने यात्रा के दौरान पैदल भी सफ़र किया और बस का भी इस्तेमाल किया। कई मुकामात पर राहुल गांधी ने बस से उतरकर लोगों से गुफ्तगू की और उनके मसाइल को समझने की कोशिश की। सड़कों पर बड़ी तादाद में बूढ़े जवान बच्चे और ख्वातीन हिंदुस्तानी परचम लेकर खड़े दिखाई दिए। वाजिया रहे कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने आज सुबह एक्स पर एक पोस्ट के जरिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मुताल्लुक कुछ अहम जानकारी दी थी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत सुबह 7:30 बजे शुरू हुई थी। अब आइए अख़बार ज़र्रीन सुने। गुस्सा ऐसा तूफान है जो दिमाग का चिराग बुझा देता है। खुदा हर तायर को रिस्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। किसी पर कीचड़ मत उछालो, इससे यकीनन तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। नेकी एक ऐसी शमा है जो दोस्त और दुश्मन दोनों के घर में उजाला करती है। उम्दा चीज हासिल करना कोई खूबी नहीं बल्कि उसे उम्दा तरीक़े से इस्तेमाल करना खूबी है। अच्छा, तब इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।